हाँ ठीक है, अब ऑन है ना। तो किसी भी दर्शन को हम लोग जब कर, 1 मिनट, फोन को नोट कर लेती हूँ, है ना। किसी भी दर्शन को जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो जब उसकी मीमांसा के बारे में चर्चा की जाती है, मतलब उसमें किन चीजों का वर्णन किया गया है, तो जब भारतीय दर्शन की बात की करते हैं तो उसमें 2 तरह से उसका अध्ययन किया जाता है ना। पहला एक हम उसकी तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा करते हैं, और दूसरा उसकी आचार मीमांसा के बारे में। तो सांख्य दर्शन में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, है ना, कि उसमें 25 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया गया है। जब हम लोग विकासवाद उसमें पढ़ते हैं तो, है ना, ये अभी जनरल डिस्क्रिप्शन है, इस कारण मैं इसका क्या बोलते हैं स्लाइड प्रेजेंट नहीं कर रही। तो उसमें हम लोग 25 तत्वों की चर्चा करते हैं, और ये सांख्य के जैसा ही योग होता है ना। तो सांख्य को कल कल ही मैं बताई थी, मतलब सांख्य है वो थ्योरिटिकल पार्ट है और योग दर्शन है उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो सांख्य और योग में डिफरेंस यही है कि इसमें एक ईश्वर तत्व की चर्चा की गई है, जो कि सांख्य दर्शन में नहीं है, इस कारण इसको सेश्वर सांख्य बोला जाता है। तो इसमें 26 तत्वों की चर्चा की गई है, यही इसकी तत्व मीमांसा है। और आचार मीमांसा, इसमें इसमें 3 प्रकार के साधकों का वर्णन किया गया, मतलब किस तरह से करके आचरण करते हैं उसका, है ना। तो 3 प्रकार के साधक, मृदु, मध्य और अधिमात्र। हम लोग ये अभी आगे समाधिपाद में ही जब 22वें नंबर के सूत्र में जाएंगे तब इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नाउ वेयर इज द PDF, कहाँ गया। ये तो सबसे पहले है समाधिपाद। बताइए समाधिपाद में कितने सूत्र हैं हमारे? 51 51 51 हाँ ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक चीज और इसमें बताना था आप लोगों को, जितने भी इसके क्या बोलते हैं, कोई 1 मिनट, जो योग दर्शन के ऊपर भाष्य लिखा गया है, 1 मिनट, इसमें ना वीडियो ऑन है, 1 मिनट ऑफ कर लेते हैं। आप लोगों को मैं भेज चुकी थी, आप लोग देख लेंगे, है ना। इसको प्रेजेंट करते नहीं बनेगा, इसका स्लाइड नहीं बना है इस कारण। तो जो योग सूत्र है सब पर भाष्य लिखा गया, जैसे भगवत गीता पर भी हम लोगों ने भाष्य पढ़ा है अलग अलग, और वैसे ही तो ये पातंजल योग सूत्र है, इस पर भी अलग अलग तरह का भाष्य लिखा गया है ना, अलग अलग आचार्यों ने। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका विख्यात जो भाष्य है वो कौन सा पढ़ते हैं, जो महर्षि बादरायन व्यास है उनका, उनको शारीरिक भाष्य बोला जाता है, और योग दर्शन भाष्य करके भी मतलब यही भाष्य है वो मुख्य है। फिर उसके बाद जो तत्व वैसारधी है उसकी रचना की है वाचस्पति मिश्र ने, और है उसके बाद भोजवृत्ति या राजमार्तंड, इसकी रचना की है भोजराज ने, और है योगवार्तिक, इसकी रचना की है विज्ञान भिक्षु ने, और राजयोग नामक भाष्य लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, और भाष्वती करके भाष्य लिखा है हरिहरानंद अरण्य ने। इसके अलावा और जो संस्कृत में जो इसकी टीकाएं लिखी गई है वो दूसरे वाले PDF में मैंने भेजी थी। तो ये जो भाष्य अन्य मतलब जो आचार्यों ने या फिर जिन्होंने भी लिखा था, ये हुआ। अब उसके बाद हम लोग फाइनली योग दर्शन पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो इसके प्रथम सूत्र में ही बोला गया है अथ योग अथ योगा नुशासनम, है ना। तो ये जो है 4 वर्ड से मिल करके बना है, अथ योगा अनुशासनम। तो पहला हुआ ये अथ, अथ का मतलब होता है अब या फिर जो प्रारंभ करते हैं, जैसे कि हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर महाभारत में ही, जैसे आप लोगों ने जब उसका जो सीरियल था ना उसमें चालू होता था तो बोलते थे अथ श्री महाभारत कथा, ऐसे करते हैं ना। तो अथ का मतलब शुरू से, मतलब प्रारंभ जब किसी चीज को करते हैं तब उसका अर्थ लिया जाता है अथ से, और इति का मतलब होता है अंत। तो जब किसी भी चीज का प्रारंभ करते हैं तब उसको लिया जाता है अथ से। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड है इसमें योग, तो योग क्या है इसका वर्णन नेक्स्ट वाले सूत्र में किया गया है। उसके बाद है अनुशासनम, इस अनुशासनम को पुनः फिर से 2 वर्ड में बांटा जा सकता है, पहला है अनु और दूसरा है शासन, है ना। तो अनु का मतलब लिया जाता है, स्पीड नहीं हो रही है ना, यस मैम, हेलो, हो रही है मैम।
अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा धीरे पहले बोलती आपने हूँ। जो पढ़ा है वो तो आप ही बोले और समझ में ही नहीं है मैम, मतलब थोड़ा ज्यादा तेज हो गया था मैम। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे अब कम स्पीड से करके मैं बोलती हूँ। तो अनुशासनम, इसको पुनः हम दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक हुआ अनु और दूसरा वर्ड है शासन, है ना। तो अनु का मतलब लिया जाता है, मतलब पहले किसी चीज में उसका वर्णन है उसको, और शासन का मतलब है, मतलब अनु का मतलब पहले ही कोई चीज वर्णन है उसको बोला जाता है अनु। और शासन का अर्थ दो रूप से लिया जाता है, एक है शासन मतलब राज्य करना, और दूसरा है शासन का अर्थ शिक्षा या अध्यापन से। तो हम आप लोगों ने योग दर्शन मतलब नाम पढ़ रहे हैं, तो कहीं से भी ये लग रहा है क्या कि इसमें शासन या फिर राज्य कैसे चलाना है इसके बारे में वर्णन किया गया होगा? नहीं, ये उस तरह का विषय ही नो नहीं है, है ना, उस तरह का ग्रंथ नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ हम लोग लेंगे शिक्षा या अध्यापन से। तो इसका मतलब महर्षि पतंजलि इसमें कह रहे हैं कि अब परंपरागत योग विषयक जो शास्त्र है उसका आरंभ करते हैं। तो परंपरागत करके बोल दिए, इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि पतंजलि है उन्होंने योग को ये सर्वप्रथम, इसकी मतलब योग के ग्रंथ या योग के विषय में चर्चा सर्वप्रथम उन्होंने नहीं की है, ये उनको परंपरा से प्राप्त हुई है। तो उस योग विषयक शास्त्र को आरंभ करते हैं, ये इसका अर्थ अच्छा हुआ, पहले पहला जो हमारा सूत्र है अर्थ योग अनुशासन का। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि अगर ये परंपरा से उनको प्राप्त हुई है, महर्षि पतंजलि ने इसको नहीं, मतलब इसके प्रवर लिखा जरूर है महर्षि पतंजलि ने, है ना, लेकिन इसके आदि प्रवर्तक मतलब कल जब हम लोगों ने प्रवर्तक अलग अलग जो हमारे दर्शन थे उसके प्रवर्तक का नाम पढ़ा, तो उसमें हमने जो योग के जो क्या बोलते हैं योग दर्शन के जो क्या बोलते हैं रचयिता है उसके रूप में या प्रवर्तक के रूप में इनको जानते हैं, लेकिन योग विषय का पर्टिकुलर जो हमारा योग है उसके प्रवर्तक आदि प्रवर्तक कौन है? तो इसके विषय में बोला जाता है कि जो हमारे हिरण्यगर्भ है ना, हिरण्यगर्भ वो है हमारे योग के आदि प्रवर्तक। जैसे कि आप लोग भगवत गीता में भी जो क्या बोलते हैं चौथे अध्याय के पहले दूसरे और तीसरे सूत्र में भी पढ़ते हैं, है ना, कि जो योग को है पहले भगवान ने मतलब वो परंपरा से करके आगे बढ़ती है ना, फिर लास्ट में भगवान ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं अब मैं अर्जुन तुमको अपना मित्र समझ करके बता रहा हूँ करके। एक मिनट, उसका श्लोक क्या था मेरे नोटबुक में था, खैर चलिए मैं भेजूंगी, है ना। तो योग को मतलब देखो भगवान ने भी वहां पर भगवत गीता में भी ये नहीं कहा कि पहली बार मैं तुमको बता रहा हूँ, उसमें भी वो बताते हैं मतलब इक्ष्वाकु ऐसे करके बहुत सारे सूर्य ये इन सब का नाम लेकर के मतलब राजर्षि और महर्षि, फिर उसके बाद गुरु परंपरा में चली, फिर कुछ काल में विलुप्त तो हो गया था उसके बाद करके ये आगे बढ़ी, है ना। तो इस कारण से जो योग के आदि प्रवर्तक के रूप में हम लोग इनको जानते हैं, हिरण्यगर्भ को मानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिरण्यगर्भ सिर्फ एक हुए हैं, है ना, कहीं कहीं पर 10 हिरण्यगर्भ का वर्णन किया गया है और कहीं कहीं पर 7 हिरण्यगर्भ का वर्णन किया गया है ना। तो कहीं मतलब स्वीकार किया गया है कि जो महर्षि कपिल है ना, क्योंकि सांख्य और योग समानता रखता है, ये बात हम कल से ही चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो जो महर्षि कपिल है उन्हीं को हिरण्यगर्भ के रूप में स्वीकार किया गया है, और इस बात का प्रमाण जो आचार्य शंकर है ना, उन्होंने अपने श्वेता श्वेता उपनिषद का जो भाष्य लिखा है उन सब में दिया गया है। और ये सब बातें आप लोगों को जैसे पढ़नी है अच्छे से, है ना, योग दर्शन को समझना है तो अलग अलग इसके भाष्य आते हैं, है ना। तो एक है ये पातंजल योग प्रदीप ये वाला, ठीक है, और इसका और आता है एक है चौखंबा प्रकाशन का, तो चौखंबा प्रकाशन में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है, और एक और आता है योग दर्शन करके, तो आप लोग तीनों मैम से मिक्स गीता प्रेस करके। में भी आता है ना, हाँ गीता प्रेस का भी आता है मैम, योग प्रदीप पातंजल योग योग। प्रदीप, हाँ ठीक है, ये सब आप लोग लास्ट में करके डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, बीच में रिदम टूट जाता है। तो फिर और जो तो महर्षि कपिल हैं उन्हीं को हिरण्यगर्भ हैं ऐसा करके स्वीकार किया गया है। अब हिरण्यगर्भ के रूप में मतलब जो भगवान है जो कृष्ण है ना, या फिर विष्णु के ही अवतार कृष्ण है, तो उनको भी स्वीकार किया जाता है कि ये क्या बोलते हैं हिरण्यगर्भ है करके। अब इसका प्रमाण ये है कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोले हैं कि जो महर्षि मतलब जितने भी मुनि हैं उनमें मैं क्या हूँ कपिल हूँ करके। तो
इस तरह से करके सिद्ध होता है कि जो महर्षि कपिल है वही ही क्या है, हिरण्यगर्भ है, और यही वही कौन है, योग के आदि प्रवर्तक। लेकिन नाम हम लोग हिरण्यगर्भ करके ही लिखेंगे, है ना, कपिल है करके नहीं लिखेंगे, उनके बस अवतार है इस तरह से करके माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने पहला सूत्र समझ लिया था अथियोग अनुशासनम का, तो ये अब योग है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। तो अब योग सा इसमें संबंध पढ़ना जरूरी है ना, कि एक सूत्र से जब हम लोग दूसरे सूत्र में जाते हैं तो तब भी करके हमको सूत्रों के बीच में जो संबंध होता है वो समझ में आता है। तो अब कह रहे हैं कि इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। तो इसमें अब योग है क्या, तो इसको बतला रहे हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही क्या है, योग है। तो अब ये पुनः इसमें देखते हैं योग है ना, तो योग वर्ड को यहाँ पर बताया गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। अब इसके बाद दूसरा वर्ड इसमें आता है चित्त, और उसके बाद आता है वृत्ति, और फिर उसके बाद आता है निरोध। तो चित्त है क्या, है ना, और उसके बाद वृत्ति, वृत्ति क्या है, तो चित्त का अर्थ लिया जाता है अंतःकरण से। तो सांख्य दर्शन में ये स्वीकार किया गया है कि जो अंतःकरण है वो चार चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को एक साथ करके बोला जाता है अंतःकरण चतुष्टय। तो अंतःकरण और चित्त दोनों एक ही है। चित्त का कार्य क्या है, मतलब एक ही समय में, मतलब ये मन बुद्धि और अहंकार है, उसके अलग अलग रूप है। मतलब आप सिर्फ चित्त मतलब ये मन ही चित्त है, या बुद्धि ही चित्त है, या अहंकार ही चित्त है, ऐसा करके मतलब अलग से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो चित्त है उसके अलग अलग समय में कार्य है। जैसे मन का कार्य क्या है, सोचना, ठीक है, और उसके बाद क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, निर्णय करना, और अहंकार का कार्य है उसमें मतलब जब हम लोग स्वीकार कर लेते हैं मैं का भाव, तो वो होता है अहंकार। तो जैसे कि अब हम आप लोग अपने आप को देखेंगे, है ना, या फिर हम लोग अपनी बात करते हैं अपनी माँ की, तो माँ हमारी एक है, ठीक है, वो मेरे पापा के लिए हुई उनकी पत्नी, ठीक है, अपने भाई के लिए हुई बहन, मेरे दादाजी के लिए हुई उनकी बहू, और मेरे लिए हुई वो मेरी माँ, है ना। तो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग समय में उनका अलग अलग रूप है, मतलब अलग अलग कार्य कर रही है तब। तो ठीक उसी प्रकार ये क्या होता है, चित्त होता है, मतलब जब सोचने का कार्य करती है तब वो कहलाता है मन, जब निर्णय करने का कार्य करती है तब कहलाता है बुद्धि, और अहंकार मतलब मैं, मतलब उसमें जो अहम का भाव होता है, जब मतलब हम लोग उसमें अस्वीकार कर लेते हैं तब उसको बोला जाता है अहंकार। और इन चारों को एक साथ मिला करके बोला जाता है अंतःकरण चतुष्टय। अब उसके ये चित्त हुआ क्लियर। अब उसके बाद आते हैं वृत्ति में, तो चित्त में जो आने वाले विचार हैं उनको बोला जाता है वृत्ति। इसका एक मैं पीडीएफ दिखाती हूँ आप लोगों को। अरे कैसे क्लोज हो गया, एक मिनट ना। हाँ, तो चित्त में जो आने वाले विचार हैं उनको बोला जाता है चित्त की वृत्ति, अर्थात ये जो चित्त है उन वृत्तियों का आश्रय स्थान है। जैसे कि तालाब है, तालाब की तुलना की जाती है चित्त से, और वृत्ति की तुलना की जाती है उसमें आने वाली तरंगों से। एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ है वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा, तब देखते हैं। तो जो क्या बोलते हैं, जो चित्त है ना, हाँ, एक मिनट, ये हो गया था। ये हुआ, ठीक है, ये है एक सरोवर, यही क्या है हमारा चित्त, और इसमें जो लहरें आएंगी उनको बोला जाता है वृत्तियां। तो चित्त में ऐसा नहीं है कि वृत्ति एक ही प्रकार की होती है, वृत्तियां हैं वो अनंत प्रकार की है, मतलब जितने तरह के विचार आपके मन में आएंगे उतनी तरह की क्या है, वृत्तियां हैं, है ना। तो वृत्ति भी क्लियर हुई आप लोगों को, कि मन में जो विचार आते हैं, जैसे कि अभी मेरे मन में विचार आ रहा है बोलने का, पढ़ने का, फिर खाने का, संगीत सुनने का,
ये क्या है, अलग अलग तरह के विचार हैं। इन विचारों को भी क्या बोला जाता है, वृत्ति बोला जाता है। अब उसके बाद आते हैं चौथा वर्ड है इसमें निरोध, है ना। निरोध का मतलब है रोकना, ठीक है। तो चित्त की वृत्तियों का रुक जाना, इसमें सर्वथा रुक जाना करके बोला गया है, लेकिन जो पातंजल योग प्रदीप है उसमें केवल बोला गया है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही क्या है, योग है। तो इसमें बोला गया है मतलब पूर्ण रूप से रुक जाना, सिर्फ इसको स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि एक हम लोग समाधि की अवस्था पढ़ते हैं, मतलब समाधि को दो प्रकार से जानते हैं हम, है ना। पहला है संप्रज्ञात समाधि और दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। तो असंप्रज्ञात समाधि में पूर्ण रूप से चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है, लेकिन जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें चित्त में कुछ संस्कार बचे हुए रहते हैं, है ना। वो पूर्ण रूप से अंत उसका नहीं हुआ रहता, तो इस कारण से। लेकिन उसमें भी जो चित्त की वृत्तियों का मतलब वो एकाग्र अवस्था की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन और जो है चित्त मूढ़ विचित्त, इन वृत्तियों का क्या है, विरोध हो जाता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध भी क्या कहलाता है, योग कहलाता है। पूर्ण रूप से रुक जाना या फिर पूर्ण रूप से उसका निरोध होना, ये सिर्फ इसको योग नहीं कहा जाता। मतलब केवल चित्त की वृत्तियां हैं संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, दोनों को भी क्या बोला जाता है, योग बोला जाता है। आया समझ में आप लोगों को कि मैं कंफ्यूज कर दी। हेलो, कंफ्यूजन हो हाँ गया ठीक मैम। है। मतलब अलग अलग भाव से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को अंतर समझ में आएगा, है ना। सब जितने भी आप लोग भाव से पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें जैसे सर्वथा रुक जाना करके बोला गया है पातंजल योग दर्शन में, पातंजल योग प्रदीप है ना। ये सबसे अच्छा भाष्य है, मतलब मैंने 3 या 4 भाष्य योग दर्शन के पढ़े हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा मुझे ये लगा पातंजल योग प्रदीप, है ना। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं वृत्तियों के बारे में, है ना। 1 मिनट, हाँ अच्छा ठीक है, वृत्तियां आगे आएंगी। अब इसके बाद दूसरा सूत्र हुआ हमारा कंप्लीट। तो अब योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बताते हैं। अब देखो हम लोग तो मतलब इतने, आप लोगों का नहीं जानती, मैं अपना बता रही हूँ, जब तक मुझे कुछ एडवांटेज नहीं होगा मैं कुछ काम करूंगी ही क्यों, है ना। अब मैं अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध क्यों करूं भैया, जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका कुछ एडवांटेज होगा तब ना जा करके मैं तभी अपने योग चित्त की वृत्तियों का निरोध, है ना। तो उसी का फल बतलाया गया है कि अगर हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तब क्या होता है। तब कहा गया है कि तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जो उस समय, तदा मतलब उस समय, द्रष्टुम मतलब दृष्टा की, स्वरूपे मतलब अपने स्वरूप में, अवस्थानम मतलब स्थिति हो जाती है ना। तो द्रष्टा का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, द्रष्टा और पुरुष दोनों में डिफरेंस किसी को पता आत्मा है। होता प्रकृति है, आत्मा प्रकृति और पुरुष। वो तो मैं जान गई, तो वही मैं पूछ रही हूँ, द्रष्टा और पुरुष दोनों में डिफरेंस क्या है, मैम ये व्हाट इज द दोनों डिफरेंस। आत्मा के लिए बोला गया, आत्मा नाम का आत्मा वर्ड, बोला गया। 1 मिनट, है ना। हम लोग सांख्य में और योग की बात कर रहे हैं, योग में बोला गया है क्या आत्मा करके, चर्चा की गई है आत्मा की, दृष्टा मतलब नहीं। मन, दृष्टा मन को बोला गया है, और कोई दृष्टा आत्मा है योग दर्शन। योग दर्शन में आत्मा को बोला गया है, मैं पूछ रही हूँ पुरुष और आत्मा नहीं दृष्टि, बोला है, पुरुष करके बोला गया। हाँ पुरुष करके बोला गया है। तो पुरुष और दृष्टा दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। मैम मेरे हिसाब से तो दोनों आत्मा ही है। आपके हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं जी, एक्चुअल में क्या है उसको पूछ रहे हैं। मैम दृश्य तो प्रकृति है ना, तो दृष्टा तो आत्मा ही है ना। चलिए मैं बता रही हूँ, है ना। तो जो दृष्टा है ना, पहले हम लोग विकासवाद का जब हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं सांख्य में, इसमें भी आगे पढ़ेंगे, तो प्रकृति और पुरुष हैं दोनों जब मिलते हैं तभी आगे बढ़ता है, विकासवाद होता है ना। तो जब ये पुरुष है, ठीक है, उस पर बुद्धि का प्रकाश जब पड़ता है ना, तभी क्या है, जो ये पुरुष है वो दृष्टा कहलाता है, ठीक है।
और ये बुद्धि का क्या बोलते हैं, प्रभाव, जब उससे बुद्धि है वो अलग हो जाती है, तब तक वो क्या रहता है, पुरुष रहता है, पुरुष है उसका शुद्ध और सात्विक स्वरूप है। और जब पुरुष का संयोग बुद्धि के साथ होता है तब वो कहलाता है दृष्टा, ठीक है। और इसी बुद्धि के कारण वो प्रकृति और पुरुष का वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जानता, ठीक है, मतलब उसको एक समझते रहता है। और दोनों का वियोग, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग समझना ही क्या है, योग है, एस पर शांत है। धीरे से हम लोग आगे आएंगे तब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं तब क्या है, दृष्टा है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अब कहा गया है कि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता। तो इस पर कहते हैं, मतलब देखो, हमने योग चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, तब जा करके क्या हुआ है, दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। मतलब अपने स्वरूप में, मतलब शुद्ध सात्विक जो अपने पुरुष रूप है ना, पुरुष के रूप में वो अवस्थित हो जाता है, मतलब प्रकृति और पुरुष अब अलग हो गए। तो लेकिन मतलब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता तब उसकी स्थिति क्या रहती है ना। तो उस पर कहते हैं चौथे नंबर के सूत्र में, वृत्ति सारूप्यम, हाँ वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ठीक है। ये बना है पहला वृत्ति, और उसके बाद सारूप्यम, और उसके बाद इतरत्र, तीन वर्ण से है ना। तो इतरत्र ये लास्ट में है, दूसरे समय में, ठीक है। और वृत्ति और सारूप्यम, सारूप्यम का मतलब सदृश, और वृत्ति का मतलब वृत्ति ही है ना। तो दूसरे समय में जो दृष्टा का स्वरूप है वो वृत्ति के सदृश होता है। तो जिस समय चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा है वो अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, लेकिन जिस समय, मतलब दूसरे समय में दृष्टा के हाँ दृष्ट क्या बोलते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता तब उसका स्वरूप रहता है जैसी उसकी वृत्तियां होती है ना। तो अब जैसे मेरे मन में वृत्ति आ रही है क्या बोलते हैं, कुछ खाने की, पीने की, या फिर लड़ने की है ना, या फिर सत्संग करने की। तो जैसी जैसी वृत्तियां चल रही है उसके अनुरूप उस क्या है, दृष्टा का स्वरूप होता है, ठीक है। अब इस पर आगे कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां असंख्य होती हैं, अतः उनको पांच श्रेणियों में बांटकर सूत्रकार उनका स्वरूप बताते हैं। अब यहाँ पर बोल तो दिया है कि वृत्तियों के सदृश होती है, तो अब उसके बाद वृत्तियों के बारे में बतला रहे हैं, है ना। कहा गया है कि इस चीज को एकदम ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग वृत्तियां मुख्य रूप से पांच प्रकार से जानते हैं, है ना, कितनी होती है करके, लेकिन वास्तव में वृत्तियों की संख्या क्या है, असंख्य है, और उनको पांच श्रेणियों में बांटकर अब उनका स्वरूप बतला रहे हैं। तो पांचवे नंबर के सूत्र में कहा गया है, वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टः, अर्थात जो ये वृत्तियां हैं वो कितनी है, पंचतय्यः, पांच प्रकार की है। कौन कौन सी, क्लिष्ट, और इसका संधि विक्षेप कर देंगे तब क्या हो जाएगा, अक्लिष्ट, है ना। तो इस प्रकार जो ये वृत्तियां हैं, क्लिष्ट मतलब कष्ट देने वाली, और अक्लिष्ट मतलब जो कष्ट नहीं देती है। तो कष्ट देने वाली, इसका तात्पर्य यहाँ है, ये है कि जो हम योग मार्ग में जो हम साधना करते हैं, है ना, तो जब ये उसको बढ़ाती है ना, जो अंतराय है ना, और जो क्लेश है उन सबको पुष्ट करने वाली, ये अविद्या आदि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती है ना। तो उसको बोला जाता है क्लिष्ट वृत्ति। और अक्लिष्ट वृत्ति अर्थात जो हमारे योग मार्ग में क्या है, सहायक होंगी, उसको बोला जाता है अक्लिष्ट वृत्ति। एक मिनट, इसमें दिया है क्या, ठीक है, ये क्लिष्ट वृत्ति अर्थात जो सुख प्रदान करती है, और अक्लिष्ट वृत्ति, सॉरी, क्लिष्ट वृत्ति जो दुख उत्पन्न करने वाली है, और अक्लिष्ट वृत्ति जो सुख उत्पन्न करने वाली है ना। तो जो योग मार्ग में जो ये अविद्या आदि जो क्लेश है इसको जो बढ़ाती है उसको बोला जाता है क्लिष्ट वृत्ति, और जो इनको क्षय करने वाली होती है उसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। तो इस प्रकार टोटल वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं, मतलब श्रेणी उसका बताया गया है पांच, और उसके बाद उसका उनका जो स्वरूप है दो प्रकार का होता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब यहाँ पर लोग फंसते हैं, है ना,
मतलब पूछेंगे कि कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं। जैसे मेरे साथ ही करके आया था ना ऑब्जेक्टिव, मतलब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मैंने लगाया था 5 प्रकार की, और उसमें ऑप्शन ये आया रहता 2 प्रकार की, है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट करके। तो आप लोग इस चीज को समझेंगे, इसका प्रकार बताया गया है कितना, 5, ठीक है, लेकिन इसका स्वरूप कितना है, 2 प्रकार के स्वरूप है इसके, ठीक है, एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट, लेकिन उसके प्रकार कितने हैं, 5। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब पुनः आगे बढ़ते हैं। अब उक्त 5 प्रकार के वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनका नाम बतलाते हैं। तो 6वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। आप लोग 20 होगा तो मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों से हम लोग सूत्र भी पूछेंगे, ठीक है, और क्लास को छोड़ करके कोई नहीं जाएगा, ठीक। तो अब 6वें नंबर के सूत्र में बताया गया है प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, अर्थात प्रमाण ये पहला, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प और चौथा निद्रा और पांचवा स्मृति। ये टोटल क्या है, हमारी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब इन सब का क्या है, आगे वर्णन करते हैं, है ना। तो जो ये उपर्युक्त 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उनमें से प्रमाण वृत्ति के भेद बताए गए। अब इसमें प्रमाण का पर्टिकुलर, जैसे बाकी का डेफिनेशन दिया गया है ना, विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति क्या है, तो इन सब का वर्णन, मतलब प्रमाण का इस तरह से वर्णन नहीं किया गया है। तो सबसे पहले प्रमाण किसको बोला जाता है, मतलब जिसके द्वारा हमको किसी भी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, उसको बोला जाता है प्रमाण। जैसे कि मैं बोलूंगी कि मेरा ये क्या बोलते हैं, ये मेरा बुक है, ठीक है। अब आप लोग कैसे मानोगे कि ये मेरा बुक है ना। मैं तो अब मैं प्रमाण दिखाऊंगी कि हाँ इसमें मेरा नाम लिखा है, तो इस कारण से ये बुक क्या है, मेरा हुआ, है ना। तो जब हम लोग किसी तक क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा वास्तविक जो हमको ज्ञान मिलता है ना, क्या बोलूं मैं, प्रमा का मतलब होता है क्या बोलते हैं यार, एविडेंस, है ना, मैम, यथार्थ ज्ञान, ज्ञान के साधन को यथार्थ ज्ञान। प्रमाण। हाँ ठीक है, ज्ञान का साधन या फिर जिसके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है उसी को बोला जाता है प्रमाण। और ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, है ना, कहाँ चला गया, नीचे, है ना। तो अब 7वें नंबर के सूत्र में बतलाया गया है कि प्रत्यक्षानुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये क्या है, 3 प्रकार के प्रमाण है, ठीक है। अब उसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसको बोलते हैं, है ना। तो बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है, ठीक है। मतलब बिना किसी भ्रांति और संशय रहित ज्ञान, किसके, बुद्धि मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले और उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। अब इस प्रत्यक्ष प्रमाण को पुनः 3 भाग में बांटा गया है ना। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसमें 2 प्रकार के, है ना, अच्छा हाँ ठीक, सिर्फ ये इसका एक ही है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण का। फिर उसके बाद दूसरा प्रकार का प्रमाण आता है हमारा हाँ, अनुमान प्रमाण, ठीक है, अर्थात किसी अन्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। देखो ये 2 वर्ड से मिल करके बना है ना, अनुमान। तो अनु का अर्थ हम लोग पहले ही सूत्र में पढ़े थे, है ना, कि पहले या पिछले कहीं पर उसका वर्णन किया रहता है उसको बोलते हैं अनु। और मान का अर्थ है किसी अन्य के आधार पर, मतलब ये जब, मतलब मान का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, है ना। तो पूर्व जनित हमारा क्या है, मतलब जब वस्तुओं का इंद्रियगत अनुभव ना होकर अनुमान के आधार पर हो, मतलब पहले ही हम लोग उस चीज को देखे रहते हैं, ठीक है, या अनुभव किए रहते हैं और उसके आधार पर अभी कुछ निर्णय देते हैं तो उसको बोला जाता है अनुमान प्रमाण। जैसे कि धुएं को देखकर पहाड़ी पर आग का अनुमान लगाना, मतलब पहाड़ में जैसे धुआं उठ रहा है तो इससे पहले हम लोगों ने देखा है ना, कि जब धुएं, मतलब पहाड़ में धुआं होता है
उसका मतलब है आग लगे रहती है वहां पर तभी धुआं उठता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, जैसे कि आज बादल आया तो वर्षा होगी, ऐसा करके हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पूर्व में भी हमने ऐसा देखा है ना कि जब जब बादल आए हैं तब तब वर्षा हुई है। तो इस तरह का जब प्रमाण, मतलब जब हम लोग अनुमान लगाते हैं, है ना, मतलब ऐसा इस तरह से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है तब उसको बोला जाता है अनुमान प्रमाण। और ये जो अनुमान प्रमाण है वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला है पूर्ववत, दूसरा है शेषवत और तीसरा है सामान्यतोदृष्ट। तो पूर्ववत जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो, जैसे कि ये अभी बोले हम लोगों ने, है ना, कि ये बादलों को देख करके वर्षा का जो अनुमान होता है, तो इसको मतलब, और ये दूसरा उदाहरण इसमें दिया गया है, आकाश विद्युत को देखकर बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान होता है, जो कि वर्तमान में इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार के अनुमान को पूर्ववत या पूर्ववत उत्पन्न होने वाला ज्ञान कहा जाएगा। वही जो पहले में चर्चा किया गया है सेम वैसा ही कहा गया है। उसके बाद दूसरा बताते हैं शेषवत अनुमान, ठीक है। जब किसी कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जाता है तब उसे शेषवत अनुमान कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र का जो जल है, अब उसको हम लोग हाथ में लिए और ऐसे थोड़ा सा चख करके देखे तो हम लोगों को क्या पता चला कि जो समुद्र का जल है वो कैसा है, खारा है। तो हमने तो सिर्फ थोड़े से जल को, मतलब एकदम थोड़ा सा जल था उसको चखा, फिर उसके आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये समुद्र का जल पूरा खारा है ना। तो जो थोड़ा सा हमने लिया और उसके आधार पर जो बाकी शेष जो समुद्र है उसके जल का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं तब इसको बोला जाता है शेषवत अनुमान, ठीक। आया समझ में? हेलो, मैं अकेले को यस बोल मैम, रही थी, यस मैम, ठीक है। आप लोग हाँ जल्दी रिस्पॉन्ड किया कीजिए ऐसे में, यस 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 मैम, हाँ ठीक है। उसके बाद आता है सामान्यतः दृश्य, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, यस मैम, ठीक है। हाँ उसके बाद यस आता मैम, है सामान्यतः यस दृश्य, मतलब जो सामान्य दिखाई देता है। पढ़ते हैं इसका। सामान्यतः दृष्ट का तात्पर्य यह है कि जब किसी कार्य के कारण को अनेकों बार देखकर उसका ज्ञान किया जाता है, जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से न देखा गया हो, वह क्या कहलाता है, सामान्यतः दृष्ट वृत्ति कही जाती है। जैसे कि मिट्टी के बने घड़े को देखकर हम उसके बनाने वाले का अनुमान लगा लेते हैं कि यह वस्तु कुम्हार ने बनाई होगी, क्योंकि कोई भी बनी हुई वस्तु को बनाने वाला अवश्य होगा, ठीक है। तो प्रत्येक बनी हुई वस्तु का कोई चेतन निमित्त कारण अवश्य होता है, ठीक है। मतलब जो कोई भी वस्तु दिख रही है, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी इस बुक की ही बात करते हैं, ये मेरा बुक है, ठीक है। अब ये बुक ऐसी तो नहीं बन गया होगा, पेड़ के पत्तों से करके बना है ना, पेड़ों से करके बना है। तो अब ये डायरेक्ट उससे ऐसी बुक आ गया होगा क्या, डायरेक्ट मतलब बुक से, मतलब पेड़ से करके बुक, इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर तो फैक्ट्री होगी ना। तो इसी को बोला जाता है सामान्यतः दृष्ट। और उसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि सूर्य उदय होता है कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में, हाँ ठीक है। सूर्य पूर्व उदय, दिशा में। हाँ सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में। तो हर बार तो हम लोग जान ही रहे हैं कौन सी दिशा में अस्त होगा वो, पश्चिम ऐसा तो नहीं है ना कि दिशा दक्षिण में जाकर के अस्त हो जाएगा, ये तो आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। या फिर कोई ऐसा बोलेगा भी कि जो सूर्य है वो दक्षिण में जाकर के अस्त होगा, तो आप लोग स्वीकार करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है उसका, और दक्षिण में सॉरी पश्चिम में जाकर के क्या है वो अस्त हो जाता है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है सामान्यतः दृष्ट प्रमाण, ठीक है, अनुमान प्रमाण, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, समझ में आया ये पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ठीक है। अब उसके बाद यस मैम, तीसरा प्रमाण होता है यस हमारा आगम प्रमाण या फिर शब्द प्रमाण, है ना। तो आगम प्रमाण वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के आधार पर ना होकर विद्वानों द्वारा या ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्र के वचनों के आधार पर होता है, ठीक है।
मतलब वो कुछ बोल दिए वो, या फिर जो हमारा जो शास्त्र के वचन है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग किसी भी चीज को ऑथेंटिक कैसे मानते हैं, है ना, ग्रंथ में बोला गया, मतलब प्राचीन पहले के समय के आधार पर बता रहे हैं, है ना, कि जैसे कि अब मैं क्या एग्जांपल दूं, क्या बोलते हैं, हाँ, राम की माता जी कौन थी, कौशल्या, कौन थी, हाँ ठीक है, आपने देखा है कौशल्या क्या उनकी माता को, या राम जी को आपने देखा है नहीं, क्या? नहीं देखा है हम लोग ने, लेकिन नहीं, वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, ये दोनों हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी लोगों ने लिखा है। तो वो कौन है, महापुरुष है हमारे, सिद्ध महापुरुष। तो उनके द्वारा उन्होंने क्या है, उनके शास्त्रों के वचनों का उन्होंने लिखा है, तो इस कारण से करके मानते हैं, या फिर वो कह देते हैं तो इसको मानते हैं। जैसे कि अभी के दिन में सपोज राजनीतिक बोल रहे हैं, है ना, मोदी जी कुछ बोल देंगे तो उनको अब इतने सारे लोग मानते हैं, तो हम लोग सत्य स्वीकार कर लेते हैं, नहीं, यहाँ भारत का प्रधानमंत्री है, डेजिग्नेटेड पोस्ट पे है, तो वो बोले हैं तो सही ही होगा, है ना, तो उसी के आधार पर, अन्यथा नहीं लीजिएगा, है ना। इसको सिर्फ हम लोग समझने की दृष्टि से करके बोल रहे हैं, ना ही वो कोई एकदम मतलब महापुरुष है अभी के हिसाब से, लेकिन इसमें हम लोग जिस तरह का पढ़ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, है ना। राजनीतिक प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है, केवल समझाने के लिए। तो वो बोल देंगे, उसको हम लोग सत्य स्वीकार कर लेते हैं ना। तो ये उसी प्रकार का है, जब वचन और शास्त्र के आधार पर हम लोग किसी अनुमान, क्या बोलते हैं, किसी ज्ञान, या फिर जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण। और अभी वर्तमान की दृष्टि में देखें, जैसे कि क्या बोलते हैं, डायबिटीज कौन से आसन से सिद्ध वो ठीक होता है, सबसे बेनिफिशियल कौन सा आसन होता है, मंडूक मंडूकासन, कैसे भी सिद्ध आसन, है आपकी मंडूकासन है, आपने तो करके नहीं देखा है, ना ही आपने किसी को कराया है, आपने एक्सपेरिमेंट किया है क्या, किया हमने है, कहाँ है, कौन कौन कर रहा है आसन, नहीं किए हैं बट करके रखे हैं ना हमारे वैज्ञानिक जी, तो साइंटिस्ट। आप लोग कैसे सिद्ध करोगे इस चीज को, है ना। अब हम लोग निकालेंगे रिसर्च पेपर, ठीक है, रिसर्च पेपर ऑथेंटिक होता है ना, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल किए रहते हैं, उसी चीज को तो लिखते हैं, और उसका बकायदा, मतलब वो ऐसी नहीं है कि कोई भी लिख दिया, उसकी बकायदा टेस्टिंग होती है ना। तो रिसर्च पेपर है वो ऑथेंटिक होता है, तो उसको हम लोग माने शास्त्र के रूप में, तो उसमें जो लिखा रहता है उसको अब हम लोग प्रमाण के आधार पर माने, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये आगम प्रमाण और शब्द प्रमाण, तो प्राचीन की दृष्टि से भी और वर्तमान की दृष्टि से, दोनों के रूप में हम लोगों ने इसको समझा। अब उसके बाद आता है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, तीन हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये बताइए। प्रमाण हाँ, प्रमाण, कितने प्रकार है प्रमाण के, तीन प्रकार है ना, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, और जो अनुमान है उसका तीन प्रमाण देखे हम लोग, कौन कौन से, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तोद्रिक्ष। सामान्य तो हाँ ठीक, केवल एक अब विपर्यय बस का और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्यय वृत्ति के लक्षण बताते हैं। तो कहा गया है कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम, ठीक है। तो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, अतद्रूप, ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठा और उसके बाद मिथ्या ज्ञानम और विपर्यय, है ना। तो अतद्रूप, तो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, तदरूप बोलते मतलब वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित है, और अतद्रूप, अ आ गया इस कारण क्या है, नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या है, विपर्यय है। तो किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह ज्ञान क्या कहलाता है, विकल्प सॉरी विपर्यय वृत्ति कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सीप में चांदी की प्रतीति होना, जो सीप है वो एकदम चमकते रहता है, जब उस पे सूर्य या चंद्रमा का जब वो प्रकाश पड़ता है ना, तो वो चांदी की तरह चमकता है, तो उसी को बोला गया है। यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली हो और योग मार्ग में तथा मतलब भोग में जब वैराग्य उत्पन्न करने वाली होगी और योग मार्ग में श्रद्धा और उत्साह को बढ़ाने वाली हो तो अक्लिष्ट है, नहीं तो ये भोग और उत्साह को क्या बोलते हैं, भोग और उत्साह में वैराग्य उत्पन्न नहीं करेगी, या वो योग मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेगी, तो क्या है,
क्लिष्ट वृत्ति है। तो विपर्य वृत्ति क्या बोला गया है, मतलब जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है पर भी हम लोग उसको वैसा समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा इसका उदाहरण देते हैं सांप और रस्सी का, है ना। अब वो रस्सी है एकदम ऐसे लिपटी हुई पड़ी है, ठीक है, और ऐसे ऐसे डिजाइन का भी तो रस्सी आता है जो एकदम सेम सांप जैसे दिखता है ना। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर उदाहरण लेते हैं उनका, तुलसीदास जी थे, है ना। तो उनकी कहानी आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी। क्या नाम था उनकी पत्नी का, क्या नाम था, किसको पता है? मैम रत्ना। हाँ 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 ठीक है, रत्ना। हाँ ठीक है। तो उनकी पत्नी है, उनको छोड़ करके जब मायके चली जाई रहती है तो उनके प्रेम में मतलब इतने मोहित हो जा रहते हैं कि इतना बरसात और क्या बोलते हैं बिजली कड़कते रहती है, पूरा बाढ़ आया रहता है। तो वो क्या है, लाश है जो सब होता है उसको क्या समझ लेते हैं, नौका जो नाव होती है ना वो। तो ये हुआ यहाँ पर उनको विपर्य ज्ञान, मतलब वो एक्चुअल में क्या है, वो तो सब है लेकिन वो उसको समझ लेते हैं नौका। फिर उसके बाद जब उसके घर में जाते हैं तो दरवाजा तो बंद रहता है तो ऊपर में खिड़की रहती है ना। तो उस खिड़की को पार करके घर के अंदर में एंटर करते हैं तो ऐसे ही तो नहीं चढ़ जाते, तो उसमें जो छप्पर होता है उसमें क्या है, सांप लटकते रहता है। तो उस सांप को वो क्या समझ लेते हैं, रस्सी समझ लेते हैं। तो जो एक्चुअल में जो वो वस्तु तो है नहीं लेकिन वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, मतलब उन्होंने सब को क्या समझ लिया, नौका, और जो रस्सी है उसको, सॉरी वो सांप है उसको क्या समझ लिया, वस्तु। तो इसको बोला जाता है विपर्य ज्ञान, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। आप लोगों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट, क्लास को लीव नहीं करेंगे, है ना। आया समझ में? हाँ, डाउट है किसी को? यस, लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, चलिए। भारती काटियार जी, आपने हैंड रेज किया, क्या डाउट है आपको? मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या योग दर्शन? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या योग दर्शन? मैम पढ़ा है मैंने, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी मैम इतनी। हाँ मैम पढ़ा है लेकिन इतना डीप आपने बताया ना, दो तीन चीजें बता दी। अच्छा। वो कभी नहीं पढ़ी थी। हाँ ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, है ना। अभी क्या है, हम लोग एक दूसरे से फैमिलियर भी नहीं है तो धीरे धीरे करके जब होते जाएंगे, ज्यादा इंटरेक्ट होते जाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ ठीक है, जया प्रजापति जी बताइए। जी मैम सेम प्रॉब्लम है कुछ, मतलब इतना लेंथी हो रहा है कि नोट्स कैसे क्लियर करेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। योग दर्शन के लिए ये बोलूंगी कि अगर जैसे अच्छे से करके पढ़ना है ना, आप लोगों ने इस बार के योग दर्शन के क्वेश्चन देखे होंगे। आप लोगों ने एग्जाम दिया था इस बार? एक मिनट, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ चलिए लेते हैं पहले डाउट, उसके बाद जिनको जाना है जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को खाना वाना बनाना रहता है। हाँ क्या बोलते हैं, एग्जाम दिया था आपने जया जी इस बार? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुआ है। No, ma'am. एक मिनट।